सऊदी अरब, जिसे मुस्लिम दुनिया का मरकज कहा जाता है, जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई और मुसलमान यहीं हज करने आते हैं, खानाए काबा की जियारत करने। सऊदी अरब में पिछले कई सालों से दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो अपने देश के कानूनों में बदलाव से हो या मॉडर्न लाइफस्टाइल की चकाचौंध से ही क्यों ना हो। पिछले ही दिनों अरब में नियोम नामक प्रोजेक्ट से तहलका मचा हुआ था, जिसका काम शुरू भी हो गया है। अब अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने नया धमाका किया है अपने नए प्रोजेक्ट न्यू मुरब्बा को लॉन्च करके, जिसको लेकर कुछ इस्लामिक मुल्कों में विरोध भी देखा जा रहा है और यह विरोध इसके डिजाइन को लेकर किया जा रहा है। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा 16 फरवरी को एक तस्वीर अपलोड की गई ट्विटर पर, जो कि इसी प्रोजेक्ट को लेकर है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस द्वारा न्यू मुरब्बा डेवलपमेंट कंपनी को अनाउंस किया गया है। कहा जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न डाउनटाउन बनाया जा रहा है, जो कि अरब की राजधानी रियाद में बनाया जाएगा। न्यू मुरब्बा प्रोजेक्ट में अल मुकाब नामक बिल्डिंग बन रही है। मुकाब का मतलब स्क्वायर या चौकोन होता है, अरबी लफ्ज में इसे काबा भी कहा जाता है, जिसको लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में पहले से ही तहलका मचा हुआ है। ट्विटर पर इसको गलत बताने वालों की होड़ लगी हुई है। अल हचीमी नामक एक जर्नलिस्ट ने इस पर कहा है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान अपना खुद का काबा बना रहे हैं? रियाद में ये डिजाइन को चुना गया है अपनी एंटरटेनमेंट के काबा के लिए। कई यूजर्स ने इसे फितना भी कहा है। न्यू मुरब्बा प्रोजेक्ट में 19 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में मॉडर्न डाउनटाउन को बनाया जाएगा, जिसमें कि कई लाख लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। इस इमारत में 1.4 मिलियन स्क्वायर मीटर का ऑफिस स्पेस भी होगा, जो कि तकरीबन 3,34,000 लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोजगार देगा 2030 तक। कहा जा रहा है कि यह इमारत इतनी बड़ी होगी कि इसमें तकरीबन 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग समा जाएगी। इस डाउनटाउन में दुनिया भर की हर ऐशो आराम की चीजें उपलब्ध होंगी। इस इमारत में तमाम तरह के रिहायशी, शॉपिंग, म्यूजियम, थिएटर, ऑडिटोरियम और एंटरटेनमेंट जैसी तमाम चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। और यह प्रोजेक्ट इतना एडवांस और मॉडर्न होगा जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन की कोई कमी नहीं होगी। दावा है कि इस बिल्डिंग के किसी भी हिस्से से आप 20 मिनट में ही एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।